आज सुबह कुछ कंफ्यूजन के बाद हमें एहसास हुआ कि ये हमारा आज लास्ट डे है। तो हमारे होटल के एरिया से एक बहुत ही लेजेंडरी रेस्टोरेंट है जिसका हमने काफ़ी नाम कई बार देखा है यूट्यूब वीडियोस पे, ना कि नॉर्मल पब्लिक यहाँ पे लोकल्स एंजॉय करते हैं यहाँ का फूड, बट बल्कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी आ चुके हैं लाइक युवराज सिंह एंड सचिन तेंदुलकर एंड यू नो दोस्त ट्रैवल व्लॉगर्स। हाँ, हिस्ट्री टीवी 18 वाले। शुड ईट एंड ड्रिंक एंड मेक मैरी इन अ लेजेंडरी फैशन इन गोवा। आई विल टेल यू टू कम टू बेताल बातिम टू सलसेट टू अ प्लेस कॉल्ड मार्टिन्स कॉर्नर। तो इन लोगों ने रेकमेंड किया है, तो अब हम सोच रहे हैं जब हमारे होटल से ये सारी चीजें हैं, लेजेंडरी चीजें इतनी पास पास हैं, तो क्यों ना इसे एक्सप्लोर किया जाए। एंड दैट इज वेयर वी आर गोइंग। लेट मी शो यू हाउ क्लोज वी आर फ्रॉम आवर होटल। सो दिस इज द रूट। हम कुछ 4 मिनट में पहुंच जाएंगे। सो लेट्स गो। Good. Two of you? Yep. Did you sanitize already? Yes, I did. Alright, so we are at Martin's. बहुत सोचने के बाद we thought we will have drinks. अगर यहाँ पे आए और ड्रिंक्स ना पिए तो क्या फायदा। और हमने यहाँ पे फिश एंड चिप्स ऑर्डर किया है, तो थोड़ी देर में आएगा। द फिश इज़ नॉट बासा फिश बट लोकल गोवन फिश विच इज़ एज गुड एज बासा फिश दे से, विच इज़ फेमस फॉर गोवन यू नो सी फूड। So we have to try, you know, their fish and chips. Goa, you have fish na khaye. Aisa ho hi nahi sakta. I thought, we always thought that North Goa was much busier or, you know, hustle bustle. But ye South Goa hai. Aap beaches thode quiet lagte hain. Par ye jo restaurant hai, oh, it's really very busy. Very busy. This is weekday. Aur waiter keh raha hai ki ye to kuch bhi nahi hai. You are lucky that you got a seat. तो आई गेस वी आर लकी। लेट मी शो यू द व्यू। उसके पहले चीयर्स। So tell me something about the drink. This is Martin's cocktail special. It's a Kenny-based drink and it's made of fruits. There are first time kisi cocktail ki ek fruity aroma aa rahi hai aur acha punch bhi hai. Which is very nice. Cheers. Martin's mein khana kha ke itna acha lag raha hai. It was good. The hype was okay. हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं, बट इतनी भीड़ है कि सारी चीज़ें अकॉम्प्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट वी आर हैप्पी दैट वी मेड द ट्रिप। सो